छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। अरे मम्मी क्या हो गया, मिस कॉल कर रही थी आप मुझे, क्या बैलेंस खत्म हो गया? और नहीं पुत्र, ब्याह खत्म हो गया। है ब्याह खत्म हो गया किसका? ओ पुत्र गड़बड़ हो गई ना। अरे मम्मी किसकी शादी में? पुत्र मेरी सहेली है ना सुल्ताना आंटी, उसका फोन आया था इस्लामाबाद से। हाँ, उनकी शादी इस उम्र में खत्म हो गई क्या? और नहीं बेवकूफा, उसकी बेटी है ना जिसकी शादी खत्म हो गई वो? और नहीं है वो तो आप क्या समझाना चाह रही, मैं एक जर्रा बराबर भी नहीं समझ पा रहा। अब तू मेरी गल गौर ना सुन, सुल्ताना की तीन ने लंदन से डॉक्टरी पास की है, अब वो आ रही है कराची तुझसे मिलने। हैं? तो क्या तजुर्बा मुझ पे करेगी? मैं कोई मरीज हूँ क्या? नहीं पुत्र तू कुवारा है, मेरे मुंह से निकल गया। हाँ तो फिर क्या हुआ? तो सुल्ताना बोली कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तेरे पुत्र से मेरी ती का ब्याह हो जाए। फिर उसने पूछा तेरे पुत्र का ब्याह नहीं हुआ, मेरे मुंह से निकल गया, नहीं अभी तो कुवारा है, तो कहने लगी ले फिर वो तो हमारा है। मम्मी ये क्या कह दिया आपने, रिजा मुझे जान से मार देगी, और वो नौशीन यहाँ क्यों आ रही है? वो तुझे देखने, तुझे परखने, तेरे ख्यालात देखने जानने आ रही है पुत्र। मगर मम्मी मैं तो शादी शुदा हूँ। हाँ पुत्र पर नौशीन और सुल्ताना आंटी की नजर में कुवारा है, क्या करूँ मेरे मुँह से निकल गया। अब क्या होगा मम्मी, अगर रिजा ने नौशीन के सामने ऐसी वैसी बात कर दी तो? हाय हाय अब एक काम कर, तू रिजा को कहीं भेज दे, कहीं रफू चक्कर कर दे, मेरा बस चले तो उसे जहन्नम में ही भेज दो। हाँ मगर मम्मी इसके लिए उसे मारना पड़ेगा। पुत्र उसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पांडा ही फूट जाएगा। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी। सोचन दे पुत्र सोचन दे, क्या कर क्या कर। हाँ कोई उसकी आवाज बंद कर देते, उसे गूंगा कर देते। कैसे? उसके मुंह पे क्या कपड़ा बांधेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसे मैं कोई सुकून पिलाती हूँ कोल के, उसकी आवाज ही चली जाएगी हमेशा के लिए। और नहीं नहीं कुछ अरसे के लिए। ले मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने सुना जिसकी बीवी गूंगी वो बहुत जन्नती होता है। तो फिर तो जिस बला के साथ तू रह रहा है उससे निकाह करते तू जन्नती हो गया। तलाक दे दूं? नहीं नहीं, मतलब ये कि जो मैं कहूंगी वो लेके आना और उसे पिला देना बस। किसको? आपको? और नहीं हो रिजा को, फटाफट जा मैं लिख के देती हूँ उसे ला के पिला दे। अरे कौन सा सपूफ मम्मी। ओ ठहर जा मैं लिख के देती हूँ, उसे किसी जूस में मिला के उस डैन को पिला देना। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक, मैं लिख के देती हूँ। रिजा ये देखो क्या है, ग्लास है। अरे ग्लास में क्या है? जूस है। और क्या? और जूस में क्या है? क्या मतलब? नहीं नहीं वो मेरा मतलब क्या, बर्फ ही बर्फ है। है? बर्फ तो नजर नहीं आ रही इसमें। हाँ शायद पिघल गई। हाँ तो पी लो। अच्छा नहीं नहीं भाई ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। खैरियत तो है रमीज, इतनी खिदमत। हाँ वो नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाती हो, मेहनत करती हो और हम लोगों के लिए इतना काम करती हो, तुम्हें फ्रेश जूस की सख्त जरूरत है। थैंक यू रमीज, तुमको मेरा इतना ख्याल है ना। हाँ हाँ बहुत है, पर मैं नहीं पी रही, प्लीज तुम पी लो। मैं नहीं पी सकता ना। क्यों, कुछ मिला हुआ है इसमें? हाँ हाँ नहीं वो मेरे मतलब बर्फ मिली हुई ना, ये अगर पीऊंगा तो मेरा गला खराब है तो वो और खराब कर देगा ना। अच्छा लो भाई पी लेती हूँ मैं। हाँ लो 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 पियो, पूरा पीना पर आखिर तक पूरा पीना। क्यों नहीं पीऊंगी, तुम इतने प्यार से मेरे लिए बना के लाए हो, पूरा पीऊंगी जरूर। वाह क्या सरदार शरबत था, ये जादुई सपूफ काम आ ही गया। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। ओ हाय ये रमी साहब का घर है। मैं आई कम इन? थैंक यू।
अब तुम मेरा बैग उठा दो। है करानी हो? क्या हूँ? करानी? नौकरानी ना, तो प्लीज मेरा बैग उठाओ। बैग उठाओ? मैंने यही कहा कि मेरा बैग उठाओ। क्या तुम कम सुनती हो? नौकरानी हो, बैग नहीं उठाओगी तो और क्या उठाओगी? और अल्फाज भी तुम्हारे फस फस के निकल रहे हैं। गला आवाज। ओह प्लीज प्लीज प्लीज, यू पुअर गर्ल, यू डोंट वरी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी सारी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दूंगी। क्यों? कोई बात नहीं, अब प्लीज मेरा बैग उठाओ। ताती हूँ। अब आंटी घर पे हैं? है। और रमीज है? इतने गुस्से होने वाली क्या बात है? क्या वो सही आदमी नहीं है? तुम तो बहुत बदतमीज हो। यू नो व्हाट, हमारे लंदन में इसी किस्म की साफ सुथरी बड़ी मॉडर्न मेड्स होती हैं। तो प्लीज अभी सारी बातें खत्म करो और मेरा बैग उठाओ और अंदर आ जाओ। और आंटी कैसी हैं आप? बस पुत्र, परेशान हूं जरा। अच्छा, लेकिन क्यों? और तुम्हें क्या हो रहा है? घबराहट 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 हो रही है। I mean, आप लोगों को हो क्या गया है? इतनी दूर से आई हूँ स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोग अजीब अजीब शक्लें बनाए जा रहे हैं। और बाय द वे, ये कौन है? पुत्र ये हमारी मेड है। ये ऐसे अटक अटक के क्यों बोलती है? वो इसके प्लग में ना कचरा आ गया। रक्षा थोड़ी है पुत्र, ये ऐसा नहीं कहते। बेचारे, शी सो पुअर। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अजीब और गरीब है भाई। पुत्र तुम इसकी परवाह ना करो, ये बताओ खाने में तुम्हें क्या पसंद है? आंटी सीरियसली एक बात बताओ, तुम मुझे देसी खाने खाने, लंदन में कॉन्टिनेंटल खाने खा खा के मैं तंग आ चुकी हूँ। ये ये बनाएगी ना हमारी मेड, ये ऐसा जबरदस्त खाना बनाती है तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। इस मेड की? नहीं 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 भाई, अपनी। अच्छा रिजा, अरे भाई वाह, तुम्हारी तो बहुत तारीफें हुई है, क्या अच्छा बना लेती हो? बेवकूफ, बड़ा अच्छा बना लेती है। और साथ में ना चोरू का गुलाम भी बड़ा अच्छा बनाती है। ये क्या बात हुई, ये कोई खाने की चीज थोड़ी है। ओफो। अच्छा रिजा तुम मुझे बताओ, तुम खाने में क्या अच्छा बना लेती हो? ये क्या कोई रानी डिश थी? दानी तानी। ओफो। अच्छा भाई, ये तुम जो भी बोल रही ना, ये तुम बना के तो खिलाओ, देखते हैं कि कैसा होता है खाने में। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम जाओ भी जाके खाना बनाओ, हम बाद में मिलते हैं। ओके okay? वैसे ये आपसे क्या कह रही थी? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आया। पुत्र, इससे ज्यादा फ्री नहीं होना, ज्यादा बातचीत नहीं करनी, बड़ी बदतमीज है, फटाफट जवाब दे देती। ओह आंटी, नेवर माइंड, यू डोंट वरी, ऐसे लोगों को मुझे बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। हे, ऐसे लोगों में हैंडल लगा होता है क्या? Very funny. Bugs and Bunny. इसका मतलब कि तुम कार्टून भी देखते हो? हाँ हाँ, Bugs and Bunny, Tom and Jerry, Pink Panther, सारे कार्टून्स देखता हूँ मैं। Oh my God! आंटी आपने मुझे शादी के लिए बुला लिया, ये तो अभी बड़ा भी नहीं हुआ। नहीं नहीं पुत्र, ये तुम खौल कर रहा है, तुम लोग एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे के मिजाज को समझो। अब तो समझना ही पड़ेगा। हाँ हाँ समझो ना, मैं कोई मैथ्स का फॉर्मूला थोड़ी हूँ। Very funny. अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा बहू को देख लूं। बहू को? नहीं पुत्र, मतलब तुम दोनों बातें करते हो, कितने सोने लग रहे हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, सोनी लग रही हो। बैठो ना, बैठो, बातें करो, बैठो। आंटी मुझे झूले पे बैठना है। हाँ हाँ बैठो पुत्र, बैठो पंगूढ़े पे, मैं झूला देती हूँ, झूला झूला। पुत्र बहू, एक बात कान खोल के सुन ले, तू इस कार की मैड है नशीन के सामने। यूं के वो मेरी सहेली की बेटी है, लंदन से आई है, और वहाँ हर कार में मैड होती है, और इस कार में तो तेरे अलावा कोई औरत है ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, और मैं औरत ही हूँ पर कहीं से मैड लगती हूँ? नहीं। हाँ क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, जैसे वामी एक्सप्रेस स्टेशन पे चटके खा खा के चलती है। लाया। क्या लाया? लाया अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो तुझे लाया, तुझसे अच्छी तो मेरी भतीजी थी जो उसे ले आती तो दे दे। हाँ, देती होती उसको अपना बना लेती, तुझसे तो निजात मिल जाती। दूंगी, लूंगी। क्या दूंगी लूंगी,
कंघी तक तो जहेज में लाई नहीं, सारे कपड़े लत्ते हमने बनाए। गटरा नहीं, बड़ा नरम नरम है, मिट्टी मिट्टी बातें करता है मेरा पुत्र, और गरजती तो तू है बम्बाट की तरह। और मैं आइंदा भी रहूंगी, हमेशा तेरे दिमाग पे हवासों पे सवार रहूंगी, समझे तू पैगंबर? ना जवाब दो, मैं दूंगी। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। अपनी मॉम को छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा। अच्छा, इस घर को छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा। इस मुल्क को छोड़ सकते हो? बाबा छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। और इस दुनिया को छोड़ सकते हो? मुंह बंद करो तुम अपना। बस छोड़ दूंगा बंद, लेकिन तुम ये कुछ नहीं छोड़ोगे। अरे तो इतनी देर से छोड़ ही तो रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम लंबी लंबी छोड़ रहे थे? नहीं, छोटी छोटी, एक एक जुमले पे। अच्छा ये बताओ कि और क्या क्या छोड़ सकते हो मेरी खातिर? हाँ, मैं अपनी बीवी छोड़ सकता हूँ। बीवी? तो तुम क्या शादीशुदा हो? नहीं 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 नहीं, वो मेरा मतलब कि अगर मेरी बीवी होती ना तो छोड़ देता। हाँ। Oh how sweet of you, लेकिन तुम अभी मेरे बारे में तक जानते नहीं। ये तो मैं मिनटों में जान जाऊंगा। अच्छा, मिनटों में कैसे? गूगल पे, इंटरनेट से। एक्सक्यूज मी, मैं कोई लंदन की कोई नहीं हूँ जिसको तुम गूगल करोगे, सर्च करोगे, फौरन मेरा बायोडाटा सामने आ जाएगा। मैं एक लंदन की रहने वाली काम सी लड़की हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर तुम हो। वैसे आप किस चीज की डॉक्टर हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, सब जानती हूँ मैं। सब जानती है? अच्छा वैसे मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरा इलाज करेंगी ना? तुम्हारा तो मैं एकदम पक्का इलाज करूंगी। अच्छा देखे, मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, और सबसे बड़ी बात, नहाने के बाद गीला हो जाता हूँ। मेरे तुम्हारे सारे सवालों के लिए एक जवाब है, तुम सारी रात धूप में बैठे रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा अच्छा, मैं जब चलता हूँ ना टांगे आगे पीछे होती है। तो कोई बात नहीं, तुम लेट के चला करो। अरे बाबा ये कैसा इलाज बता रही हो तुम? जिस किस्म की तुम मुझे बीमारियां बता रहे हो ना, मैं तुम्हें ठीक वैसे इलाज बता रही हूँ। वेरी स्मार्ट। हाँ, और तुम ओवर स्मार्ट। नहीं नहीं, मैं ओवर डाइन हूँ। कैसे? मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा ना। ओह, गुड आंसर। तो ये दुल्हन मेरी हुई? हाँ। इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि अभी इश्क के इम्तिहान आए हैं। ड्रिंक बेबी ड्रिंक, यस यस यस, ड्रिंक इट, गुड गुड गुड। ये क्या पिला दिया तुमने मुझे? देखा, तुम्हारी आवाज ठीक हो गई। मैंने कहा था ना, मेरी दवाई में जादू है। मेरी आवाज वापस आ गई, मेरी आवाज वापस आ गई। थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी आवाज आपकी इस दवा से वापस आ गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तुम जाके अपना काम संभालो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? भाई तुम मेड हो ना, तो जाओ जाके घर के काम करो। आई एम नॉट योर मेड एंड रमीज इज माय हस्बैंड। व्हाट? तुम रमीज की? ये रमीज ने मम्मी के कहने पर मेरी आवाज बंद करवाई थी, ना जाने कौन सा सबूत मिला के पिला दिया था मुझे। ओ गॉड, अब मैं समझी कि आपको ये जूस क्यों पिलाया गया। क्यों पिलाया गया? ताकि इनका भांडा ना फोड़ दो। लिसन, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि रमीज पहले से शादीशुदा है। देखो मैं तो यहाँ पे शादी करने आई थी उससे। शादी? आपसे किसने कहा कि रमीज को आ रहा है? आपकी सास ने मेरी मम्मी से कहा, वो भी लालच में। कैसी लालच? यही कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वो भी लंदन में डॉक्टर, तो मैं इनके बेटे को यहाँ से वहां ले जाऊंगी, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, वहां का नेशनल बन जाएगा। और क्या लालच हो सकती है? अब मैं समझी, बट फिर भी आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मेरे ससुराल वाले खराब है, हमेशा मुझसे चाहते हैं कि छुटकारा मिल जाए लोगों को। वेरी बैड, तुम कितनी अच्छी कितनी प्यारी हो, और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बहुत अच्छी जॉब है, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, और ये सारा घर मेरे ही पैसों से चलता है। What? मतलब रमीज कुछ नहीं करता? निखट्टू है, हर हराम है, जॉब का खाओ ना तो जान निकल जाती है उसकी। बहुत बुरी बात है, बीवी की कमाई खाते इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक? कैसे? अब जैसा मैं कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा करना होगा। तुम क्या चाहती हो, क्या करोगी तुम? प्लान ये है कि इधर आओ। छोटी छोटी बातों पे, हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं। आप कौन भाई? आप मेरे भाई हरगिज नहीं हो सकते, वरना आप भी इतना खूबसूरत होते। तो भाई जान, आजकल मोहल्ले में भी बड़ा चिकना अनटच पीस चल रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? कमाल है भाई, मैंने तो सुना था आजकल मोहल्ले में कोई वबा चल रही है। अरे भाई मुझे वबा कह रहा है?
कौन हो तुम? मार्केट में आजकल नए पीस हैं? अब मार्केट में अब कोई बीमारी नहीं बची क्योंकि मैं वैक्सीन करवा कर आ रहा हूँ। तो भाई कौन हो, बिला वजह उलझ रहे हो मुझसे? अब मैं कोई मांझा नहीं हूँ और ना ही तुम कोई कांटा जो मुझसे उलझोगे। अरे कौन हो बता भी दो भाई। मैंने कहा ना कि मुझे भाई मत कहना, बिला वजह मेरे अब्बा को फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम दानिश है दानिश, और मैं यहाँ किसी के बुलाने पर आया हूँ। किसके कहने पे आया हूँ? अब मैं यहाँ नौशीन के कहने पर आया हूँ। नौशीन? इतने नौ नहीं है उसके नाम में, सिर्फ एक ही नौ है, नौशीन। नौशीन? पर शीन में नून तो है ना। बताओ बुलाया क्यों है तुम्हें? अब शादी का चक्कर है भाई। शादी होगी मेरी और भाभी होगी वो तेरी। ओके तो फिर देख लेते हैं ना कि पहले कौन शादी करता। देख क्या लेते, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ देख तो रहे हो भाई। हाँ बस मेरी हो गई। क्या मैं देख नहीं रहा था क्या पहले? नहीं। बस तो फिर मेरी होगी ना, तो फिर तुम नहीं देखोगे किसी को। अच्छा बाबू, तो फिर चले अंदर, कर लेते हैं आमना सामना, देखते हैं कौन करता है शादी। मुझे भी चैलेंज कबूल है, चलो अंदर चलो। तो ये है दानिश, इसे मैंने यहाँ पे बुलाया है शादी के लिए। है? पत्थर तू तो रमेश से ब्याह कर रही है, फिर पहाड़ी सुरमा क्यों बुला लिया तूने? हाँ भाई ये बिला मुकाबला कुर्सी जीतने कहाँ से आ गया? ओ बाबा ये मेरे लिए नहीं आया, ये तो रिजा के लिए आया है, क्योंकि मैं रिजा के से शादी करवा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रिजा के लिए? नहीं 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 पुत्र, रिजा का तो ब्याह हो चुका है। क्यों रिजा, तुम्हारी शादी क्या हो चुकी है? अरे भाई ये शादी शुदा है भाई। एक मिनट, तुम शादी शुदा यहाँ पे कुंवारी हो? ये कहना चाह रही है कि ये कुंवारी है। लड़की तो बहुत प्यारी है। हाँ तो आज से ये हमारी है। ओहो ये तो गरीब बेचारी है, मुंडा तो चंगा पला पढ़ा लिखा लगता है। तो क्या हुआ, शक्ल तो इसकी बहुत प्यारी है। अरे अरे कहाँ फंसा रही हो, ये शादी नहीं करेगी यार। तुम इसके भाई हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हो, ये मैं किसी गरीब लड़की का भाई नहीं होता। अच्छा तो फिर क्या बिल गेट्स की बेटी को फंसाया हुआ है तुमने? इससे छिक्के में मच्छर नहीं फंसते, ये अमीरों की कुड़ी क्या फंसाएगा। अरे यार नशीन तुम ये बताओ, तुम हमारी शादी के बजाय इसकी शादी के पीछे क्यों पड़ गई? वो इसलिए क्योंकि मैं सबसे पहले इस बेचारी की शादी करवाऊंगी। एक तो बेचारी गरीब है, दूसरा ये मेड है, इस गरीब का होगा शादी होगी तो फिर बाद में अपने बारे में सोचूंगी। हम कोई जुलम नहीं कर रहे हैं पुत्र, इस पे ही अपनी मर्जी से रह रही है यहाँ पे। हाँ तो फिर ठीक है ना, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ चली जाएगी। अब बोलो ना चलोगी मेरे साथ? तो ठीक है, बस ये फिर तय हो गया कि सबसे पहले तो मैं रिजा की शादी करवाऊंगी, उसके बाद में करूंगी अपनी शादी। नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, हमारी शादी? नहीं यार नौशीन, इन दोनों की शादी। क्यों नहीं हो सकता? हाँ तुम होते कौन हो रोकने वाले? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इसका मुंह बोला भाई है, इसने इसको बहन बनाया हुआ है। क्या मतलब है, ये भाई नहीं बना, ये क्या तुम पे नजर रखता है? मैं तो ये गंदे आदमी, रिजा की शादी जरूर होगी, आज ही होगी और अभी होगी और दानिश से होगी। अरे रिजा क्या कर रही हो तुम भी तो एक सेकंड, तुम भी हो मैं भी हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ये नौशीन, वो नौशीन, वो यार वो तो मम्मी का कहना है, वो लंदन से आई है और वो मुझे लंदन लेके जाएगी। बेवफा मुरब्बत सब कुछ, मगर मैं लंदन जरूर जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तुम रो, अच्छा मैं तुम्हें याद आऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है बच्चू, मैं भी तुम्हें यादवाद नहीं करूंगा, जो तुम्हें कर दे तुम वो करो और जो मुझे कर दोगे मैं वो करूंगा। अरे वाह ये तो संजीदा हो गया। वाह नौशीन वाह, क्या आइडिया दिया है, अब आएगा मजा, अब आएगा ना लाइन पे, आज ही होगी ये शादी और जरूर होगी ये शादी। किसकी, तुम्हारी और रमेश की? नहीं दानिश और रिजा की, क्योंकि दानिश आज अपनी दुल्हनिया को साथ लेके जाएगा। नहीं, क्यों क्या हुआ? और तू चुप कर पुत्र, अच्छा है जान दे, जान छुटेगी कब से बला हमारे सिर पे सवार है। खबरदार जो किसी ने मेरी होने वाली बीवी को बुरा कहा तो। अबे ओ मेरी हो चुकी बीवी है ये। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? You so dirty. एक मेड से शादी की है तुमने? अरे भाई ये मेड नहीं है, ये सेल्फ मेड है। अब बोलो ना रिजा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? कैसे बोलेगी, आवाज बंद करने का हमने सुफूक जो पिलाया है?
देखा देखा, मुझे यही कहलवाना था आप लोगों से। मेरी आवाज तो कब की आ चुकी थी, लेकिन थैंक्स टू नौशीन उसने मुझे ऐसा ड्रामा करने को कहा। ड्रामा? कैसा ड्रामा? दानिश और रिजा इन दोनों की शादी सब एक ड्रामा था। मगर क्यों भाई क्यों? इसलिए कि फिर तुम्हारे ड्रामे की पोल कैसे खुलते? आंटी वेरी सैड, बहुत अफसोस की बात है कि दौलत की खातिर आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहिए। और तो और, बेचारी रिजा पर जुल्म भी किया, इसे सफूफ पिलाकर इसकी आवाज बंद कर दी, कहीं ये भांडा ना फोड़ दे। क्या करती पुत्र, इसकी माँ से मैंने वादा कर लिया था। रिजा अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, रमीज अब हमेशा तुम्हारा रहेगा। चलो दानिश, लेट्स गो डार्लिंग। डार्लिंग, मैं आप सब लोगों को बताना भूल गई कि दानिश मेरा मंगेतर है और अब हम शादी वापस लंदन जाके करते हैं। ये सब कुछ पर मुझसे शादी के चक्कर में आई तुम? ऐसी कोई बात नहीं है रमीज, मैं तुम सब लोगों से मिलने आई थी। सोचा जब मैं मिलने आ ही गई थी तो आप लोगों से थोड़ी सी शरारत तो बनती है ना। एनीवेज आंटी रमीज, अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, अब हम चलते हैं। सो मेरे ना होने वाले हस्बैंड, बाय बाय रिजा, बाय नशी, बाय। चलो दानिश, बाय। मम्मी, ये सारा ड्रामा था। और अब इसका एंड मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, जरा हटिएगा। तुम्हारे घर में अनकरीब मौत वाक्य होने वाली है। किसकी किसकी किसकी? किसी ना किसी की, पर होगी जरूर। आपको हो क्या गया अचानक? नहीं, मौत को याद कर रही हूँ मैं। हैं? रमीज, ये क्या होलिया बना रखा है? कैसी हो बहन तुम? बहन,